हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों आजकल जो यूट्यूब में प्रॉब्लम चल रहा है ना, जैसे कि बिना वॉइस वाला हम चैनल बनाते हैं और कहीं से इमेज उठा के हम अपने यूट्यूब में वीडियो में डालते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो अभी क्या है, उस पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि यूट्यूब ने बोला है कि अगर आपका वॉइस या आपका उसमें वर्क नहीं दिखा तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो अभी मेरा एक दोस्त के साथ प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपको थोड़ा कुछ दिखाना चाहता हूँ मोनेटाइज के बारे में। जैसा क्या होता है, अगर हम मोनेटाइज अप्लाई करते हैं तो पहला वेरीफाई का स्टेप कम्प्लीट हो जाता है, तीन स्टेप होते हैं ना, और उसके बाद में एडसेंस वाला वो भी कम्प्लीट हो ही जाता है। तीसरा जो होता है वो होता है रिव्यू के लिए जो हमारा चैनल जाता है, ठीक है। रिव्यू के लिए जैसे चैनल जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किस टाइप का होता है वो। ये हमारा आप देख सकते हो, मेरे काफ़ी सारे चैनल हैं और लोगों के भी हैं। तो देखो ये वाला नॉर्मली सबका हो जाता है, ठीक है, पहले वाला। और दूसरा वाला ये सब एडसेंस से लिंक होता है, उसके बाद में डन हो जाता है। और ये वाला जो है तीन नंबर तीन वाला, इस चैनल अभी स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने ये भेजा हुआ है अभी एडसेंस वेरीफाई करने के लिए। तो तीन नंबर स्टेप जो होता है ये होता है अपना रिव्यू के लिए, जो चैनल हमारा रिव्यू में चला जाता है, ठीक है। तो ये सब कंप्लीट ना हुआ उस चैनल में, उसके पहले ये कब डन हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पे रिजेक्टेड हो गया, मतलब यूट्यूब प्रोग्राम में ना उसको शामिल नहीं किया गया। तो इसके लिए आपको मैं उस चैनल पर लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो ये चैनल है, मैं इसका एक बार ये दिखा देता हूँ। आप सब्सक्राइब देख रहे कितने हैं, और यहाँ पे देखेंगे वॉच टाइम भी, यहाँ पे लाइफ टाइम का वॉच टाइम देखेंगे, लाइफ टाइम 365 दिन का देखेंगे जो कि मोनेटाइज के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो क्राइटेरिया है अपना 4000 का वो भी कंप्लीट है, ठीक है। इसके बावजूद भी वहाँ पे रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हुआ है तो हम यहाँ पे देखते हैं फीडबैक में, ठीक है। दोस्तों ये चैनल ना पहले रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद में एक अपील का ऑप्शन आता है कि आप कुछ 4 मिनट या 2 मिनट का वीडियो बना के हमको भेजो, ताकि उसमें आपका एक्टिविटीज हो, जैसे कि 30 सेकेंड का उसमें अपना इंट्रोडक्शन होता है, कुछ बताते कि मैंने आप यहाँ से वीडियो लिया और इस एप्लीकेशन से या सॉफ्टवेयर से मैंने एडिट करता हूँ, और URL क्या है मेरा, डैशबोर्ड कैसा होता है, और आपका चैनल का लोगो कैसा है, वो सब उसमें शो करना पड़ता है। तो इसने ऑलरेडी ये सब करके भेजा हुआ है, उसके बाद में ऐसा कुछ इंटरफेस आया हुआ है, ठीक है। उन लोगों ने इनका अपील एक्सेप्ट नहीं किया यूट्यूब पार्टनर में, अगर एक्सेप्ट करते तो यहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन होता, ठीक है। तो अभी पूरा रिजेक्टेड कर दिया है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो पहले आपको वो दिखा देता हूँ कि इस बंदे ने कैसे अपील किया हुआ था। तो ये लास्ट वाला वीडियो था जो उन्होंने बन किया था, ये सब लिखा हुआ था, देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें इन्होंने यही शो किया है हमारा वीडियो कैसे बनाते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, और इसमें अपना लैंग्वेज वगैरह जो देते हैं वो दिया हुआ है। तो इसके बावजूद भी चैनल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। हेलो यूट्यूब टीम, माय नेम इज रमनदीप कौर एंड माय चैनल नेम इज ट्रिकी बर्ड। अभी हम चलते बैक। अभी इसमें वेस्ट क्या कर सकते हैं, अभी मैं आपको उनका जो फीडबैक मिला हमको यूट्यूब से, हम इसको देखते हैं, सी फीडबैक देखते हैं। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो अभी हमें सेम आएगा, अगर हम मोनेटाइज सेक्शन में जाएंगे तो मोनेटाइज सेक्शन में भी हम ऑलरेडी खुला हुआ है, तो यही आएगा, क्योंकि मोनेटाइज सेक्शन का जो पहला पार्ट होता है जहाँ पे सब्सक्राइब शो होता है, वॉच टाइम शो होता है, वो अभी वहाँ से गायब हो गया, क्योंकि वहाँ पे ये सब जो है कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपका जो मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया था वो रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए डिसेबल कर दिया इसको। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप देख लेते हैं करना क्या क्या होता, क्या क्या नहीं करना होता, वो तो यहाँ से कर देगा। ये आप कर सकते हैं, ये आपको नहीं करना, ये तो आपको तभी भी ऑप्शन देता है जब आप अपने वीडियो बनाते हैं,
या आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो लोग एक ऑप्शन देते हैं आपको कि आप हमें वीडियो बना के दीजिए, आप बताइए कि आपका चैनल है, ये सब पहले भी देते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है देख लीजिए, मेन होता है आपको तीन नंबर का देखना। आप रीअप्लाई कर सकते हैं 24 अगस्त के बाद, ठीक है। तो इनका आई थिंक ये 30 दिन का टाइम देता है, तो उसी प्रकार से इनको एक वीक आई थिंक हो गया होगा, ठीक है। ये वाला नोटिफिकेशन आई हुई, इसको हम जीमेल में देखते हैं, ठीक है। ये जीमेल पे भी मेल आया होगा यूट्यूब तरफ से। इस बंदे ने काफी मेहनत की इस चैनल पे, हर कोई करता है, अगर अचानक ऐसा हो जाए तो दिक्कत होती है। अभी हम इसको हाल देखते हैं। ये 28 जुलाई को किया हुआ था, ठीक है, वीडियो। तो इसको टाइमिंग होता है 24 दिन का इस वीडियो को वेरीफाई करने के लिए, YT देता है हमको, लेकिन वो कुछ ही घंटों में वेरीफाई करके आपको मेल ड्रॉप कर देता है कि आपका एक्सेप्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो अभी ये बोल रहे हैं कि आपका जो अपील हो किया था वीडियो वो कैंसिल हो गया, आपका YT में नहीं ले सकते, एलिजिबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कुछ वीडियो चैनल में से डिलीट कर सकते हो, कुछ चेंजेस करोगे तो आप 30 दिन के बाद में फिर से रिप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इसने ये बताया, अभी वहाँ पे करना क्या, हमको चैनल में फिर से हम चैनल में आ गए। तो दोस्तों ज़्यादा तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस एक ऑप्शन है, बस थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 1885 आपका ये है, सॉरी 1885 यहाँ पे सब्सक्राइबर है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जितना भी आपका वीडियो इस टाइप का है जिसमें आपकी एक्टिविटी नहीं है, आपका वॉइस नहीं है, या आपने कुछ इमेज कहीं से लिए हैं, आपने कुछ भी उसमें एडिट नहीं किया, ठीक है, तो उनको चेंज करके जितने भी वीडियो उस टाइप की, या अगर हाँ आप प्राइवेट भी करोगे तो अभी कुछ बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब के पास ऑलरेडी सब डेटा रहता है, प्राइवेट हो, अनलिस्ट हो या पब्लिक हो, ठीक है। तो आपको डिलीट ही करना पड़ेगा वीडियो, और वीडियो डिलीट करने के बाद में आपको लगता है कि बहुत सारे मेहनत करने के बाद में हमने वीडियो बनाया था ये सब कुछ ये करके, तो इन वीडियो को आप या तो पहले डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपके पास पहले से रखा हो तो आप रीयूज भी कर सकते हैं, मतलब रीअपलोड बाद में कर सकते हैं, उस पर आपका कॉपीराइट वगैरह कुछ नहीं आएगा। ये बस वेरीफाई जब ज़्यादा करता है, जब आपका चैनल रिव्यू में जाता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ वीडियो डिलीट कर दीजिए, जितना भी इस प्रकार का वीडियो है, और मुझे लगता है इस चैनल में तो ज़्यादातर इस तरह का वीडियो है। तो मैं इनको बस ये बताना चाहूँगा कि आप ये वाले वीडियो सब हटा कर एक बार वीडियो देख लेते हैं। देखिए सभी वीडियो सेम है, ठीक है, ये जितने सब करेक्टर हैं ये सारे, इनमें कुछ भी एडिट नहीं किया हुआ, तो आप इन्होंने डाउनलोड किया और पेस्ट किया, तो इसके लिए इनका ओरिजिनल वॉइस भी नहीं है इसके अंदर, इसके लिए यूट्यूब को इशू आ रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये अपनी पूरी वीडियो डिलीट करके, तो इनका वॉच टाइम पूरा चला जाएगा और TTR भी बहुत कुछ डाउन हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या बेनिफिट होगा, हम नया चैनल ना बना के इसी चैनल को यूज़ कर सकते हैं कि अपना सारा वीडियो ये वाला डिलीट कर दें, उसके बाद में हम 10 या 5 से लेकर 15 तक एक वीडियो बनाएं, क्योंकि 30 दिन टाइम काफ़ी होता है। अगर हमने 20 वीडियो बना लिया, दो दो मिनट के 10 मिनट की जो डालनी है आपको जैसे डाली हुई है, वो ओरिजिनल वीडियो बनाएं, इसके अपना खुद का वॉइस यूज़ करें, और जो भी आप फोटो ले रहे हैं तो फोटो को थोड़ा एडिट कर दें, जैसा कि ओरिजिनल कॉपी होती है ऐसा ना हो, थोड़ा सा उसको एडिट कर दें। तो उसमें क्या होगा, आपका जो सब्सक्राइबर है
आप कितना भी वीडियो डिलीट कर दोगे तो आपका सब्सक्राइबर रहेगा, ये प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि सब्सक्राइब इनका अच्छा खासा है। अगर हमने ये चैनल पर काम करना बंद कर दिया, नया चैनल खोलेंगे, तो हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अभी क्या है 75% हमारा काम हुआ है, हमें बस 25% करना है। 25% मतलब इनको बस वीडियो बना के वॉच टाइम गेन करना होगा, ठीक है। और सब्सक्राइबर देख सकते हो यहाँ के डबल के आसपास ही है, मतलब 1819 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। अगर आपको लगता है कि आप वीडियो डिलीट करने से हमारा सब्सक्राइबर डाउन होगा और डिक्रीज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका बिल्कुल भी सब्सक्राइब यहाँ से नहीं जाएगा। मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं देते आप देख लो कितनी क्वांटिटी है सब्सक्राइबर की। और आपको तो पता है कि हम जैसे ही अनसब करते हैं तो यहाँ पर काउंट कम हो जाता है, और सब्सक्राइब करते हैं तो एक काउंट बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ घटना होगा तो अभी घट जाएगा। तो मैं आपके सामने एक वीडियो डिलीट करने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। थोड़ी वीडियो लंबी बन रही है, लेकिन काफ़ी काम की वीडियो हो रही है, क्योंकि कोई भी इतनी मेहनत करता चैनल के ऊपर, ऐसे छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा मुझको, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ से कोई भी एक वीडियो डिलीट कर देता हूँ। खोला मैं यहाँ से एक वीडियो चॉइस करूंगा, कोई भी आप वीडियो उठा सकते हैं। एक तो अभी मैं ये उठा लेता हूँ, ठीक है सॉरी कौन सा नहीं था, इसको यहाँ सेलेक्ट किया मैंने और मोर एक्स में जाके फिर डिलीट फॉरएवर कर देता हूँ। इसको हम चेक कर लेते हैं, डिलीट फॉरएवर अभी डिलीट हो रहा है। ऐसे करने से क्या होगा दोस्तों, आपके सब्सक्राइबर माइनस नहीं होंगे, ड्रॉप भी नहीं होंगे। और इसी चैनल पे अगर हम मान ली अगर पूरा हम वीडियो बना के रिप्लेस करें नई वीडियो से, थोड़ा बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, 3 दिन कम होते हैं, उनके तो ऑलरेडी जा चुके 6 दिन। इसे डिलीट हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं सब्सक्राइबर डाउन होता कि नहीं होता। इनका सब वीडियो सेम है, इनके कुछ वीडियो वैसे यहाँ पे शॉर्ट भी था जो अलग कैटेगरी का था, वो इन्होंने उसे डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी इनका इनकी वजह से ये सब आ गया। डिलीट होने में इतना टाइम लगा रही फ्रेंड्स। अभी ये वीडियो एक हमारी होगी डिलीट, इसको हम पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार। ठीक है अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड में। तो यहां से आपका सब्सक्राइबर डाउन नहीं हुआ, ठीक है अगर
हम और भी चाहें कोई वीडियो डिलीट कर सकते हैं। सॉरी मैं आपको ना उस वीडियो पे सब्सक्राइब दिखाने भूल गया था, उसमें आई थिंक 3 सब्सक्राइबर थे, ठीक है। तो मैं नॉर्मली एक और सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ये देख लेते हैं कितने सब्सक्राइबर है। मैम सब्सक्राइबर 0 है, तो इसको डिलीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मुझे वो डिलीट करना पड़ेगा इसमें कुछ सब्सक्राइबर ऐड हुए हों, ठीक है। इसको कर लेते हैं, हाँ ठीक है, इसमें एक सब्सक्राइबर है तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एक सब्सक्राइबर है तो आपको फिर से दिखाया था, फिर सब्सक्राइबर है अभी 85 है, फिर से मैं जाता हूँ यहाँ पे, इसमें हमारा एक सब्सक्राइबर कैन हुआ, ठीक है। तो इसको हम फिर से डिलीट करते हैं, अभी हमारा एक वीडियो हमने डाउनलोड डिलीट हो गया सर। तो इस पर फिर से हम पेज रिफ्रेश करते हैं एक बार, रिफ्रेश करने के बाद में जाएंगे हम डैशबोर्ड में, उसके बाद देख सकते हो सब्सक्राइबर ऐसे के ऐसे हैं। तो मैं इनके 2 वीडियो डिलीट कर चुका हूँ, एक मैम मैं आपको भूल गया था बताना कि इस एक वीडियो में कितने सब्सक्राइबर थे। तो मैं आपको बता दूं, जो पहले डिलीट की थी उसमें 3 सब्सक्राइबर गेन हुए थे, तो यहाँ पे फिर भी माइनस नहीं हुआ कोई भी, और जो अभी मैंने आपके सामने किया डिलीट उसमें 1 सब्सक्राइबर गेन हुआ था, तो फिर भी यहाँ से कोई माइनस नहीं हुआ। और यह तो आपको सबको पता होगा कि ये जो होता है सब्सक्राइब वाला लाइव होता है, ठीक है। फिर से एनालिसिस में चला जाकर देख लेते हैं एक बार, यहाँ देख लीजिए जितने सब्सक्राइबर थे उतने सब्सक्राइबर हैं। तो वीडियो डिलीट करने से सब्सक्राइबर आपके कम नहीं होंगे, तो मेरा बेस्ट सजेशन यही रहेगा कि आप थोड़ी सी मेहनत करो इस चैनल पर, वीडियो बनाओ 15 से 20, और एक महीने के अंदर अंदर मतलब 30 दिन के अंदर अंदर उन पे अपना वॉच टाइम गेन करो, और फिर से आप रिप्लाई करोगे तो 100% आपका मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरा कैसा ये वाला टॉपिक लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको कुछ भी हेल्प लगे तो मुझे कमेंट में कुछ भी सजेशन आप पूछ सकते हो, यूट्यूब के रिलेटेड या मोबाइल का है कुछ भी टेक्निकल जो भी आपको प्रॉब्लम है, मैं आपका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो जाते जाते दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने नहीं किया तो बेल आइकन में दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। तो हम अब आज का टॉपिक करते हैं क्लोज, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।